मालिक से सच्चा प्रेम करती है, सच्चा सच्चाई से अंदर जो मालिक का प्रकाश आ रहा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसे देखने की कोशिश करती है, सच्चा नूर उसमें फैलता है तो आनंद ही आनंद आंतरिक रूप उसको मिलता है। ऊपर जब सूरज की चढ़ाई हुई ऊपर गई तो दीप देश में जाकर के देखी कि वहाँ पर उस दीप देश में बहुत बड़ा एक कलना लगा हुआ और मालिक उसपे बैठे मुस्कुरा रहे देख रहे और सूरज मालिक को देख करके एकदम मन मुक्त हो जाती है और तरह तरह से मालिक की विनती प्रार्थना दया भाव से एकदम करुणा भाव से मालिक को निहारती है और उनके चरण को हमेशा छूने की कोशिश करती है, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करती है और तरह तरह से मालिक से अर्ज विनती करती है। अरजिया गुरु जी करूं दिन राती अरजिया गुरु बंदा के बरिया कैठो दिन राती तो मालिक से इनके प्रार्थना करती हुई और सूरत जीवात्मा मालिक से कहती कि हे मालिक हे दाता दयाल मैं हर तरह से आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ। जो जन्म जन्म की चीजें ये लगी हुई आपकी दया महल से सब कट जाए, सब चीजें मुझे दिखाई सुनाई देने लगे, सब दया महल आपकी आने लगे, मैं यही आपसे चाहती हूँ और यही हमेशा चाहती थी और चाहूंगी। तो इस भाव से जब सूरज जीवात्मा प्रेममय उस मालिक से पुकारती है तो ऊपर की ओर वो चलने लगती है। तो यही भाव यही विश्वास आपने देखा मीराबाई बहुत तरस के साथ हर तरह से उन्होंने गाया, नाच नाच के गाया, झूम झूम के गाया, लोगों के बिना परवाह किए कि भाई ये क्या सोचेंगे, ये मैं तो एक राजघराने की हूँ, मेरा धन माया खजाना ये इसका क्या होगा, तो उसका बिना परवाह किए उन्होंने भक्ति मार्ग का जो रस पान किया वही हम लोगों को बड़े भाग से मालिक की दया महल से वो मार्ग मिला। तो हमें इस चीज की बहुत अच्छे तरीके से पहचान करनी पड़ेगी। जब अच्छे तरीके से पहचान हो जाए उस मालिक से विनती प्रार्थना करने के लिए आप एकदम केवल रूप बनाओ और हमेशा ये नहीं कि एक घंटे दो घंटे ऐसा नहीं, हमेशा कोशिश करो कि अंतर में नाम तो चलता रहे। आप भजन भले जो 10-5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 2 घंटे 1 घंटे जो मिलता है वो कर लीजिए, लेकिन नाम अंतर में हमेशा 24 घंटे आप चलते रहना चाहिए। जब आप करते रहोगे तो आप कहोगे कि सोते समय कैसे चलेगा, तो सोते समय स्वतः चलेगा।
लेकिन आप कोशिश करोगे तब पद पर जब मालिक का नाम लोगे, मालिक को सुमिरोगे तो हर तरह से दाता दयाल वो मेहर कृपा करते रहेंगे। तो ये चीज आपको हम आपको समझना पड़ेगा और समझ बूझ करके ऊपर चलना पड़ेगा। अभी जो समय आ रहा बहुत नाजुक समय है, मालिक के आदेशानुसार सारी चीजें आप लोगों को अंतर आदेश बताया जा रहा कि मालिक का आदेश यह रहा, यह चीजें आप कर लो, ये काम है ये जल्दी से कर लो, नहीं तो आगे समय बहुत भयानक आ रहा, समय नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को तो करना पड़ेगा। अगर आप सच्चे गुरु भक्तों सच्चे ईमानदारी से आपने भक्ति की, आपने मालिक को अपना खुदा माना, मालिक को सब कुछ माना, तो उनको आपको चाहना पड़ेगा। उसी हिसाब से सब जाकर के वो जो हम अनमोल खजाना ऊपर की दौलत वो सारी चीजें आपको कभी मिल सकती हैं। अन्यथा आप ऐसे की ऐसे रह जाओगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, चौथे जन्म ऐसे ही चलते रहोगे। आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हो, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पहली बार मालिक की दया मालिक के चरण में आए हो, आपको याद नहीं आपने किस किस जन्म में मालिक के साथ थे। जब आप पूर्ण ध्यान भजन करोगे, अंतर में जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं तो इन्हीं के साथ यहाँ पे था, मैं इनके साथ यहाँ पे था, और फिर भी आपसे जो पूरी साधना नहीं हो पाई तो उसको आप इस बार पूरी करिए। इस बार जब आपको मौका मिला, वो नाम वो खजाना जब आपको मिल गया, तो अंतर का खजाना आप ढूंढिए। अंतर में बहुत रस है, जब अंतर में चलोगे अंतर की बात आपको समझ आएगी, और वो कति वो प्रेम वो लवक आपके अंदर जगेगी। जब वो लवक आपके अंदर जग जाएगी तब तो भक्ति करना सबसे आसान, नहीं तो ऐसे आप 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं कर सकते। तो वो प्रेम वो भाव वो दृढ़ विश्वास जब तक गुरु के प्रति नहीं आएगा वो चीजें आप नहीं कर सकते। तो इस बार बहुत सारे नए जीव भी यहाँ पर आए हुए हैं, नए जीव तो नहीं है लेकिन उनको ज्ञात नहीं है कि वो नए हैं या पुराने हैं या क्या हैं, उनको मालिक का पहले चरण मिला है या नहीं मिला। तो वो चीज आपको समझने के लिए आपको जब मालिक ने दया मेहर करके बुलाया तो आप समझिए। और जैसे बताया जाता है वैसे सिमरन ध्यान भजन 2-4 मिनट 5 मिनट धीरे धीरे स्टार्ट करिए। तो आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूँ कि कैसे सुमिरन ध्यान और भजन करेंगे, उसके एक विधि बता देता हूँ। अभी जैसे जो नए जीव है आप पहले सर्वप्रथम आप एक प्रार्थना भाव भरी प्रार्थना आप बोलोगे, ऐसी प्रार्थना जो आंखों में आंसू लावे, और मालिक को हर तरह से प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करके बैठोगे तो आप देखोगे स्वतः उस मालिक की जो दया की धार है आपसे उतरने लगेगी, तब जा करके आपका मन ऊपर लगेगा। तो पहले जो नए जीव है उनके लिए तो सतगुरु जय गुरुदेव नाम से आप सुमिरन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और भजन भी कर सकते हैं। मालिक के अंतर आदेशानुसार आपको सुमिरन के लिए आप बैठिए, 5 नाम 5 बार सुमिरन में आप सतगुरु जय गुरुदेव करके बैठिए, फिर आप सुमिरनी ले लीजिए। सुमिरन ये 108 दाने की माला होती है, सुनिंदी को लेके 109 होती है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ लिए, यहाँ पर सर्वप्रथम आप प्रणाम करेंगे, यहाँ प्रणाम करेंगे मालिक को। प्रणाम करने के बाद अंदर में दया की भीख मांगते हुए मन से करूं वंदना।
अभी आप ध्यान में बैठिए ऐसे प्रणाम करके सद्गुरु जय